कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो योगी यूथ ब्रिगेड सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। और जो यहाँ आगरा के कॉलेजों में भी चल रहा है कि हिजाब पहन पहन के जा रहे हैं, ऐसी हमारे पास सूचनाएं हैं और हम लोग इसको देखेंगे कि किस कॉलेज में हिजाब पहन के जाया जा रहा है। और प्रशासन से यहाँ पर मांग करेंगे कि हिजाब बिल्कुल भी पहने ना जाए, क्योंकि विद्यालय में केवल विद्यालय की ड्रेस कोड ही उचित रहती है। ड्रेस कोड पहन के सभी धर्मों के बच्चे जाएं, क्योंकि फिर हमारे नागा साधु हैं, फिर काफ़ी हैं, देखो विवाद बढ़ते जाएंगे। योगी यूथ ब्रिगेड तत्वावधान में आज MB रोड ढाकरान चौराहे से पैदल मार्च किया गया जिला मुख्यालय तक। हालांकि हम पुतला फूकने वाले थे हिजाब का, लेकिन प्रशासन ने हमें रोक दिया गया, हमें पुतला नहीं फूकने दिया है। भारत लोकतांत्रिक देश है, ये कार्य हमें नहीं करने दिया, इसका हमें खेद है। हम प्रशासन से हमारी इस चीज़ को लेकर नाराजगी है। कर्नाटक में हिजाब विवाद चल रहा है लंबे समय से और ये पूरे देश के विभिन्न राज्यों में फैल चुका है। अब इस हिजाब विवाद ने खूनी रूप ले लिया है, हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं। कर्नाटक में जो है शिमोगा जगह पर बजरंग दल के कार्यकर्ता हरसा की रविवार को हमारा एक हिंदू योद्धा था, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। सिर्फ उसने ये कहा था कि स्कूल और कॉलेजों में हिजाब नहीं चलेगा, वहाँ ड्रेस कोड चलेगा। ये गलत है। हिजाब और बुरके पर हमारी भारत सरकार से मांग है, प्रधानमंत्री जी से मांग है, प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है, हिजाब पर और बुरके पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि हिजाब और बुरके में पता नहीं चलता है कि महिला है या पुरुष है। हिजाब और बुरके की आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को, गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अपने मंसूबे में आतंकवादी गतिविधियों को ये कामयाब कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।